श्रीयुक्त धरणीधर नायक आपको स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को। गोटे कथा आसुच्छे जे पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट जो राय आसुच्छे वर्तमान समय रे जे 16 वर्ष रे जड़े मुसलमान झील बाहर पार तो हिंदू झीवों पर अलग नियम मुसलमान झीवों पर अलग नियम ख्रीस्टियान झीवों पर अलग नियम जिते संविधान कहे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्ते सामान समस्त सामान अधिकार ताहले मुसलमान ल आईन बा सरिया आईन एमती कौन बयान करुच्चे से भिन्न अधिकार दि जाऊँच या अधिकार तो कहना गोटे पर समालोचना कर 16 वर्ष झीलटे बाहर अनेक दृष्टि असुविधा भोगी जापे आपत व्याख्या करेंगे ए रायर देखो ना भारतीय संविधान जो कहे समस्ते धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते आईन आगे सामान समस्ते आईन आगे सम्मान आप कहले मुझे रिपीट कर समस्ते आईन आगे सम्मान मान आईन की सम्मान देवा जो आईन आम देश प्रचलित आईन अच्छी जो दि ल इनफोर्स आम लैंड जो ल इनफोर्स इन दि लैंड से आईन की समस्ते आम सम्मति जनवा बाध्य से आईन द्वारा आम ही प्रचलित हम आम धर्म प्रचलित हम आम समस्त बह हो आप डाइवर्स हो आप जमी बाड़ी बंटन हो सब आम आईन अच्छी से आप हिंदू ल मुसलिम ल से धर्म को लेकिन हूँ ट्रेडिशन को लेकिन हूँ अलग अलग आईन सृष्टि कराई हिंदू ल जमी अलग मुसलिम ल अलग अच्छी म्यारेज आक्ट आप जहाँ कहते हैं सरिया आईन अनुसार म्यारेज पर प्रोविजन अच्छी एंड दैट इज अल्सो दि ल अफ दि लैंड सेटा मध्य आम देशर आईन एवं से आईनटा को आप पार्लियामेंट पास कर आईन के आज आम सम्मान देवा उचित हिंदू मुसलमान कथ उठूनी एटी किसी डिस्क्रिमिनेशन हो जदि डिस्क्रिमिनेशन हम तेज़ जो बड़ बड़ कथ कौन कमन सिविल ल करेंगे गोटे ल करदे कमन ल जोटा कि हुई आप्लिकेबल टू हिंदू मुसलिम ख्रीस्टियन जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जी से म्यारेज ल आने जाति धर्म वर्ण निर्विशेष गोटे कमन सिविल कोड आने अलग कथ कि जेपर्यंत देशर प्रचलित आईन अच्छी से हिंदू ल हो कि मुसलिम ल हो कि ख्रीस्टियन अलग ल हो से आईन प्रचलित आईन एवं से आईन पार्लियामेंट द्वारा पास हो आईन दीर्घ दिन धरी प्रचलित हो आईन की आम मैंने समस्त सम्मान देवाई बाध्य कोर्ट जहाँ पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट करोर्ट आईन रिसर भितर सरियात ल को ल को से इंटरप्रिट करके प्रोटेक्शन देखर तो मुसलिम ल कहि आज सुन आज दे अटेंड प्यूबर्टी दे कैन एंटर इन ए म्यारेज कंट्राक्ट से मेच्योर्ड होगा गोटे म्यारेज कंट्राक्ट करेंगे तेणु 15 वर्ष कि 16 वर्ष बयस को एमती भी स्ट्रिक्टली रखि ना से मेच्योर्ड हो सारापर करेंगे बोली कथ होता आईन व्यवस्था अच्छी तेणु आपंकर मोहम्मदियन म्यारेज ल हिंदू म्यारेज ल दुटा अलग आउ गोटे द्वितीय कथ आप उठाई प्रश्न उठाई एवं सरकार केन्द्र सरकार चिंता कर सीमा 18 वर्ष 21 वर्ष को आने ठीक अच्छे 18 वर्ष 21 वर्ष आने किसी असुविधा नहीं 18 वर्ष 21 वर्ष आनी पारे कि 18 वर्ष 21 वर्ष जो आने से खाली गोटा किसी सर्कुलर कि गोटा किसी नोटिस कर दे आनी पारे आज्ञा आईन संशोधन आवश्यक हिंदू म्यारेज आक्ट अच्छी आम म्यारेज आक्ट आम म्यारेज ल अच्छी म्यारेज ल अच्छी तेणु आईन उभय आईन संशोधन म्यारेज ल आईन संशोधन आणुना एक वर्ष कर श्रीयुक्त नायक आप तो बहुत बड़ आईनजीवी आम तो आपंक सहित जुक्ति करना कि गोटे कथा जानापी चाहूँ आप जो नियम कर हुए तो भिन्न भिन्न धर्म पर मुसलमान पर हिंदू ल अनुसार भिन्न भिन्न वयस सीमा रही किंतु सामग्रिक दृष्टिकोण आपड़ी विचार करेंगे डाक्तर मान कथा विचार करेंगे गोटे झील मातृत्व लाभ करने शारीरिक भाव में परिपक्व होइतिबार आवश्यकता रही केवल शारीरिक नुहे मानसिक भाव में स्टेबल होइतिबार आवश्यकता रही तो यहीं 18 को 21 करने चिंता कर 18 वर्ष अपेक्षा 21 वर्ष में गोटे झील आहरी मैच्योर्ड हो मेंटली फिजिकाली तेणु मातृत्व लाभ करवाह पर मातृत्व लाभ करवा एक स्वाभाविक प्रक्रिया जितेबाला गोटे 15 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्ष झील आफ्टर आपड़ जो कथा कहले मैच्युरेसन तापर जदि से बह कर शारीरिक दृष्टि से आघात पाइब एक कहुपरि पूर्व आम बाल्य बह को जमी विरोध करते बर्तमान गोटे समय आसला कि जे आईन में संशोधन करार अमेंडमेंट आसवर आवाह बयस गोटे करने जो नियम हिंदू रोचे से नियम मुसलमान मान रहा सामाजिक विधि व्यवस्था अनुसार आम सामाजिक चलनी अनुसार जो नियम करवर्तित समय पर आवश्यकता अनुभव करे कि देखते आप दुईट प्रश्न उठाऊँ आज्ञा गोटे हूँ आपंकर शारीरिक दृष्टि शारीरिक दृष्टि जे जड़े झील 15 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्ष कि 15 वर्ष से सफिसीयंट मातृत्व लाभ करने तार से ही बयसटा ठीक बयस नुहे मातृत्व लाभ करने ये कथ आपटे कहते गोटे सैकोल बायोलोजिकाल फैक्टर नहीं कि गोटे मेडिकल ओपिनियन नहीं कि एक कहते हैं जेको लोक एग्री कर समय आसी
ବୟସ ବଢ଼େଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଏତେ ପୁରୁଣା ହୋଇଛି ସେ ଆଇନର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସେ ଆଇନକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ବିଲକୁଲ ହଟେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶାନ୍ତର ଆଇନ ଏବେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଆଇନ ଅନେକ ଆଇନ ସେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଯେଉଁ ଆଇନର ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦି ଲ ସେଥିରେ ଆଣିପାରିବ ସୀମା ଆଣିପାରିବ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉତ୍ଥାପନ ହେଉ। କମନ୍ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କଥା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଡିବେଟେବୁଲ ଆସିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଡିବେଟ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିକି ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ନାୟକ ସମୟ ତ ସରିଆସୁଛି ଛୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଚାହିଁବି ସମୟ ସରିଆସୁଛି ଛୋଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ତଲାକ କଥା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଥା ଆସିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଫ୍ସା ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା 370 ଆର୍ଟିକଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ବଦଳୁଛି ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି ସମାଜ ବଦଳୁଛି ସମୟ ବଦଳୁଛି ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା ଆଇନର ବଳି ପକାଇବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାରି ଭିତରେ ଏ ଆଇନ ବି ଆସିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେବ ସେଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଲେଖିଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇପାରୁନି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଡିସିସନ ହେଲା ଫୁଲ୍ ବେଞ୍ଚରେ ଡିସିସନ ହେଲା ଯେ ତଲାକ 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 ଇଲିଗାଲ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁ ଏ ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷର ଆଇନ ଯେଉଁ ହେଇଛି 15 ବର୍ଷର ଆଇନ ହେଇଛି ଏହା ଅସାମ୍ବେଧନିକ ତାହେଲେ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିତର୍କ ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କରିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ ତର୍ଜମା କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।